हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग MTZRTI ट्रेनिंग सेंटर से हैं, त्रिची से, RRB चेन्नई बोर्ड से। आज का क्या हाल है और एक वीक का क्या हाल रहा हम लोगों का, पढ़ाई कैसा रहा, ट्रेनिंग कैसा रहा, और भी जो आप लोगों के कमेंट में जो है जितने भी सवाल आए हुए थे वो सब क्या है, उसके ही जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि रेगुलर वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। दोस्तों, ऐसा है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। पढ़ाई, क्लास, होमवर्क, असाइनमेंट, टेस्ट, लाइन ट्रेनिंग, इतने चीज़ हो जाते हैं कि जो है बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। खुद सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से, सारे बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे। एक्चुअली देखा जाए तो 5-5 घंटे 4 घंटे, डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ने पर समय देता है। बहुत कोई एक मेरे TMR साहब हैं, उसका तो 4-4 किलो वेट कम हो गया। मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं बातें करूँगा कैसे ये सब हो रहा है और क्या क्या यहाँ का शेड्यूल है, क्या क्या रूटीन है और क्या हो रहा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनका भी जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि सुबह 5:30 जगना है, फिर PT ग्राउंड पे जाना है। PT ग्राउंड पे जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे, मतलब 5:30 जगना है, 6 बजे से PT ग्राउंड पे जाके 7 बजे तक PT ग्राउंड पे रहना है। फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करवाते, वॉक वगैरह करना है, हल्के फल्के आप अपने मर्जी से जितने चाहे एक्सरसाइज कर सकते हो, मगर जाना ज़रूरी है ठीक है। वहाँ जाने के बाद आप फिर 7 बजे वापस रूम आने के बाद ब्रश करो, रेडी हो जाओ, फिर 8:15-8 बजे आप जाओ नाश्ता करो, 9 बजे से आप जो है ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाओ, जो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट के रास्ते पर है। फिर 9:30 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, प्रेयर वगैरह होने के बाद 9:30 से लेके 5:30 बजे तक आपकी क्लासेस चलती है। आप एक जगह पे बैठे रहते हो, चेयर पे, समझ रहे हो, चेयर पे सुबह 9:30 से लेके 5:30 बजे तक बैठे रहना कितना मुश्किल काम है। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होना होता है, आप उसमें लंच करके आ जाओ वापस। और ऊपर से इतनी गर्मी है यहाँ, धूप इतना तेज है, खुद का चेहरा मेरा काला होते जा रहा है। दोस्तों, मैं जब घर से आया था 1 महीने पहले, मैं काफ़ी गोरा लग रहा था, अब जो है लग रहा है ऐसा कि दिन ब दिन मैं काला होते जा रहा हूँ। एक्चुअली मौसम ठीक है, मगर धूप गर्मी वाला इलाका है, इसलिए गर्मी हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा केयर करना, खासतौर पर जितने भी हमारी गर्ल्स हैं उनको तो काफ़ी हद तक अपना केयर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, समझ रहे हो, 9:30 से 5 बजे तक जो है क्लास करना। अब तो सर बोल रहे हैं कि 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, 5 से 6 चल रहा है, ऐसा नहीं है, हम लोगों का SM वालों का चल रहा है ऑलरेडी, उन लोगों का तो और भी हालत ख़राब है हम लोगों से भी ज़्यादा। तो दिक्कत नहीं है, फिर भी इन्जॉय है, हर चीज़ का अपना अपना प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं इसका। खाने पीने का समस्या ठीक है, मिक्स खाना मिलता है, नॉर्थ साउथ मिक्स रहता है, तो काम ठीक से निकल जाता है। प्रॉब्लम आता है संडे को, मंडे टू सैटरडे मैस रहता है, संडे को मैस बंद रहता है, हम लोगों को बाहर जाके खाना पड़ता है। अब सबसे पहले खाए क्या किधर, तो ठीक है यहाँ पास में पीछे साइड में एक नैना नाम का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको इजीली नॉर्थ टाइप का खाना मिल जाएगा और अच्छे खासे स्वाद वगैरह भी ठीक रहता है और बजट में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। खास पी लो बाहर गेट पे, जिनको चाय कॉफ़ी का आदत है वो बाहर गेट के पास चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पर भी अभी मैं पढ़ते पढ़ते थक गया था, दिमाग हैंग होने लगा, तो जाके मैं सोचा थोड़ा वीडियो ही बना के अपने आप को रिफ्रेश कर लूँ। अभी भी मैं आपको दिखाऊँ तो असाइनमेंट वगैरह मिला हुआ है, देख लो, ये मेरी कॉपी है ठीक है, इसमें मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। ये रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे, असाइनमेंट लिखते हालत ख़राब है। और संडे को तो टीचर बैठने ही नहीं देते, पूरी टेस्ट की टॉपिक, असाइनमेंट, ये सब देखो भरे पड़े हैं, लिख लिख के थक गया, तब जाके जो है। अब यही काफ़ी नहीं है, GRS जो जनरल रूल्स के हैं उसके भी बहुत सारे कॉपी लिखे, फिर जो है पढ़ पढ़ के हालत ख़राब है एकदम। ये GRS कितनी मोटी बुक है, इसे पढ़ने हैं, इसका भी कल टेस्ट है, मैकेनिकल का भी टेस्ट है, हालत ख़राब है सबके। रात को 2 बजे रात को हम लोग सोए हैं पढ़ पढ़ के, सुबह जगे, फिर सुबह पढ़े, फिर जो है नहा हुआ के टेस्ट, चाय वाय पी के, फिर खाना वाना खा के, फिर आपको दिखाऊं, ये देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देखो ये अजीत सर हैं, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, उधर पिंकू भाई हैं, वो भी देखो पढ़ ही रहे हैं, 2 मिनट के लिए वो भी पलके झपकाए फिर वो पढ़ने लगे, उठ के सोए तक नहीं, ये देखो ये भी लगे पड़े हैं, देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि कल टेस्ट ही है इतना, 3-3 सब्जेक्ट का टेस्ट, मैकेनिकल का भी, GRS का भी, कॉमर्शियल का भी, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई पोस्टपोन ही नहीं करता, क्या कर सकते हैं। फिर भी संडे है, कोई संडे वनडे नहीं है हमारे लिए, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है पढ़ रहे हैं,
पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि 60% मार्क्स लाना जरूरी है एग्जाम में। अगर आप 60% मार्क्स नहीं लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, आपको दोबारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। दो चांस मिलेगा, अगर दो दो चांस में अगर आप पास नहीं करते तो आपको फिर से गेट आउट, जाइए फिर से RRB का फॉर्म भरिए, फिर से सिलेक्शन लीजिए, फिर आइए। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। एक भाई साहब हैं हमारे जिनका 4 किलो वेट कम हो गया है, इसीलिए चलो ठीक है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ पढ़ के ही तो आना है, बस यही 2 महीने की तकलीफ है। चलिए अब लेते हैं आप लोगों का, ये तो हमारी रोज की है, इसलिए समय नहीं मिलता वीडियोस बनाने के, इसलिए बना भी नहीं पा रहा। और वही मैथ्स, वही ग्रेविटी ग्राउंड, वही क्लासेस का कितनी बारी मैं वीडियो दिखाऊँ आपको। चलो लेते हैं आप लोगों के सवाल क्या क्या हैं। मेरे सवाल लेने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने भव्य क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, भव्य क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें उस टेलीग्राम के ग्रुप को, ताकि जो भी आप अपने डाउट्स हैं वहाँ पूछ सकते हैं, या नोट्स, कोई क्वेश्चन ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं वहाँ पोस्ट कर दिया करूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ने कमेंट किया है, सब्सक्राइबर ने, कि सर आप TM बोला करो, गार्ड मत बोला करो। तो भाई ऐसा है कि मैं भी ट्रेन मैनेजर ही बोलता हूँ, लेकिन अभी जब मैं यहाँ नहीं आया था, यहाँ आने से पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि अब नाम चेंज हो गया है, तो मैं दोनों ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड दोनों शब्द यूज़ करता हूँ, ताकि जिनको नहीं पता है उसे भी पता चल जाए कि हाँ अब ट्रेन गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, ताकि दोनों पता चले लोगों को, जिसको नहीं पता है उसे पता चले। एक ने पूछा है चेन्नई और त्रिची का कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर है क्या? हाँ, चेन्नई RRB चेन्नई के अंदर 6 डिवीज़न आते हैं, उन 6 डिवीज़न का जो ट्रेनिंग सेंटर वो यहीं त्रिची में है और यहीं पे सबका ट्रेनिंग होता है, तो इसीलिए RRB चेन्नई के लिए बस एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। और अगला क्वेश्चन है कि खाने का पैसा सैलरी से लगता है क्या? नहीं, खाने का जो पैसा है वो आपको यहाँ अपने पैकेट से 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे, सैलरी से नहीं कटते। पैसा आपको पहले पे करना पड़ेगा, जिसमें से आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का खाना आपको मिलता है। 200 रुपये पर डे में ये 3 टाइम का आपको खाना मिलेगा, ठीक है। अब एक भाई साहब ने पूछा है जॉब टफ, ट्रेन मैनेजर का जॉब टफ है या ईजी है? तो दोस्तों ऐसा है कि जॉब कोई भी इजी या टफ नहीं होता, आप उसको जितना दिल से प्यार करोगे उतना अच्छा है, डिपेंड करता है आप उस चीज़ को किस तरह से फील करते हो। बहुत के अलग अलग कंडीशन होते हैं, कोई घर से दूर नहीं रहना चाहता, कोई फैमिली से दूर नहीं रहना चाहता, किसी को रनिंग नहीं पसंद, किसी को ऑफिस जॉब पसंद, तो इस तरीके से जो है सबके लिए अलग अलग है। वैसे जॉब कुछ खास कठिन नहीं है, और जितना इसमें कठिनाई है उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट आपको पे करती है, इसलिए सैलरी के हिसाब से जॉब कठिन नहीं। अब एक ने पूछा है गर्ल्स का ड्रेस कोड क्या है? तो ऐसा है कि आप गर्ल्स भी शर्ट और जो है पैंट पहन सकती है, वैसे यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है सलवार सूट ही पहनती है वाइट कलर का, तो ठीक रहेगा सलवार सूट। और उसके बाद पूछा है ट्रेनिंग हिंदी में और इंग्लिश में। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग आपको जो लैंग्वेज है, पढ़ाने की लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है, बट आप जो है एग्ज़ाम जो लिखोगे वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, बायलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब नेक्स्ट बैच के बारे में पूछा गया है कि नेक्स्ट बैच इस 20 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो जितने भी मेरे नेक्स्ट बैच में आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन सबों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है व्हाट्सएप में PDF के फॉर्म में, वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, और जो आ रहे हैं वो निश्चिंत होकर आएँ। अब हॉस्टल का पूछ रहे हैं, हॉस्टल का दोस्तों ऐसा है कि आपको यहाँ पे 4 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 2 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, 24 आवर्स लाइट, बिजली, आगे गार्डन, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया है। फूड के बारे में भी पूछ रहा है, तो फूड देखो ऐसा है कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मिक्स फूड मिल रहे हैं, तो अब हालात ठीक हैं खाने पीने के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाना को लेके आपको हो सकता है आप एग्जैक्टली तुरंत आओगे तो आपको थोड़ा महसूस होगा, बट 2-4 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पूछ रहे हैं कि एक ने पूछा है ट्रेन मैनेजर के ट्रेनिंग के दिन, और एक ने पूछा है SM के ट्रेनिंग के दिन। तो दोस्तों ऐसा है कि जो ट्रेन मैनेजर की ट्रेनिंग है वो 50 डेज की है, और SM की जो ट्रेनिंग है वो 90 डेज की है, तो ठीक है इतना हो गया। सिलेबस,
ट्रेन मैनेजर का सिलेबस के बारे में मैं बता दूं कि मैकेनिकल, जीआरएस, जनरल रूल्स जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल में आपको ट्रेन के ब्रेक वगैरह पढ़ने होंगे, ब्रेक कहाँ पे होता है, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे ब्रेक रिलीज होता है, कब ब्रेक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चक्के वगैरह में क्या प्रॉब्लम आती है। जीआरएस में आप पढ़ोगे जनरल रूल्स में सिग्नल वगैरह देखना, कहाँ पे कौन सा सिग्नल है, कैसे पटरी चेंज करना है, कौन से नंबर पर ट्रेन जाएगी, ये सब चीज़ें आपको होगी। ठीक है, एक कॉमर्शियल है जिसमें आपको जैसे कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, ऑन ड्यूटी आपको कौन से फॉर्म, कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं, या टिकट कैसे कटते हैं, कौन से टिकट कब लगते हैं, सब चीज़ों की आपकी पढ़ाई होगी। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो हो गया ट्रेनिंग, हो गया हॉस्टल, हो गया सिलेबस, हो गया बाकी सब कुछ, हो गया। देखो, एक ने पूछा है कि पैनल में नाम आने के कितने दिन बाद। देखो, पैनल में नाम आने के बाद ऐसा नहीं है कि जल्दी भी हो सकता है और 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। कारण क्या है कि इसका, कि यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सारे रूम्स, मतलब हॉस्टल क्लासरूम्स सारे फुल हैं। यहाँ पे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और जो जितने एम्प्लॉई ऑलरेडी हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए बार बार भेजा जाता है, जिससे कि यहाँ सारे क्लासरूम फुल हो चुके हैं। जब जब क्लासरूम खाली होगा उस हिसाब से कैंडिडेट को फिर बुलाया जाएगा। तो 1.5 से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना आप मान के चलो कि आपको जो है लग सकते हैं, तो उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। और जो सवाल पूछे हैं उस सवालों को भी देख लेते हैं। नोट्स खोज रहे हैं कुछ लोग, तो दोस्तों ऐसा है कि मेरा टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैंने नोट्स पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप वहाँ पे एक मैसेज करना, मैं दोबारा पोस्ट कर दूँगा, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का लैंग्वेज, नोट्स जो आपको है वो इंग्लिश में मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा। आप जिसमें पढ़ना पढ़ के समझना चाहते हो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट, मार्केट यहाँ पे छोटा सा मार्केट स्टेशन के ठीक सामने, मैं अभी आपको डायरेक्शन भी बताऊंगा स्टेशन से आप कैसे यहाँ तक आ सकते हो। तो मार्केट वहाँ पे आपको जनरली जो छोटे मोटे हैं, पीछे जहाँ पे खाना खाने जाता हूँ संडे के दिन, वहाँ पे एक छोटा सा मॉल भी है, 2-3 यहाँ पे मॉल भी हैं छोटे छोटे, जो आपको आपके डेली नीड्स के सारे सामान आपको मिल जाएंगे जिसकी जो कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, आप ऐसा है कि जो मैं इंपॉर्टेंट जो मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था, जो मैं मिस कर गया था, आप जब ट्रेनिंग के लिए चेन्नई से तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची के लिए आओगे, तो जब आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, बाहर निकल के आप अगर गूगल मैप देखोगे तो आपको निकलने के लेफ्ट साइड को रास्ता बताएगा, मगर आपको लेफ्ट साइड आने नहीं है। आप वहाँ से सीधा स्टेशन से जैसे बाहर निकलोगे सीधा आपको आगे बढ़ने हैं, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर जब आओगे तो आप एक चौराहा मिलेगा, उस चौराहे से लेफ्ट को अंदर आना, लेफ्ट को जब अंदर आओगे तो एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज के नीचे जब जाओगे तो आपको सामने ही MDZRTI का ट्रेनिंग सेंटर का बोर्ड लगा दिखेगा, बस आ जाना। ये आपको इजी पड़ेगा, वैसे मार्केट वगैरह आप देखते हुए आओगे सेम डिस्टेंस है, चाहे आप स्टेशन से निकल के लेफ्ट को मुड़ जाओ या फिर सीधा निकल जाओ, तो सेम दूरी सेम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रास्ता का भी एक वीडियो बना के प्रोवाइड करूं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, एक मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ बैच, हर एक बैच में 60 स्टूडेंट का वो है, एक बैच में 60 स्टूडेंट को रखा जा रहा है, एक क्लासरूम जो है 60 स्टूडेंट का बनाया जाता है। तो हाँ, डेली वीडियो क्यों नहीं आता है, तो डेली वीडियो दोस्तों अब संभव नहीं है, क्योंकि इतने ही वर्कलोड हो गए हैं, पढ़ना पड़ रहा है, कि अभी जो वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं दोबारा फिर से पढ़ने बैठूंगा, फिर क्योंकि कल 3-3 सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। तो इसलिए गर्ल्स कितनी है ट्रेन मैनेजर में। देखो, ऐसा है कि जो दो बैच अभी चल रहा है ट्रेन मैनेजर के, दोनों में एक एक लड़की है, एक यहीं लोकल है तमिलनाडु की है, एक बिहार की है, दोनों में एक एक लड़की है। और नेक्स्ट बैच जो आने वाली है वो भी, उसमें भी कुछ लड़कियां हैं। तो मेरी जितनी भी गर्ल्स हैं मेरे सब्सक्राइबर में या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ मुझे मैसेज करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई हेजिटेशन या आपके मन में पर्सनली कोई सवाल हो तो आप हमें वहाँ बताएं, तो मैं अपनी जो क्लास की जो गर्ल TMR हैं, मैं उनसे बात करके सारे आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, या फिर उसके साथ आपका जो है जान पहचान करवा दूँगा, जिससे यहाँ आने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप उसके साथ अच्छे से रह सकते हैं। वरना तो ज़्यादातर आपको यहाँ लोकल लड़कियाँ मिलेंगी, जिससे वो तमिल या इंग्लिश बोलेगी, आप लोग हिंदी खोजोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक भाई ने सियोरिटी के लिए पूछा था कि
सियोरिटी के लिए, सियोरिटी में दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ उस वीडियो में, स्पेशली मैंने बॉन्ड के लिए ही बनाया था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि सियोरिटी में वर्किंग एम्प्लॉई, चाहे वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी का भी हो, आप लोग उससे साइन लें, उसका आईडी, जॉब आईडी, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और उसका करंट मंथ का सैलरी स्लिप का फोटोकॉपी जरूर लेके आएं, वरना ये लोग आपको वापस भेज देंगे। एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है जिसे मैंने लास्ट के लिए रखा था, और मैं इस सवाल के साथ मैं जो है अपने वीडियोस को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। एक भाई ने पूछा, शादी के लिए लड़की खोज दो, मैं कास्ट से यादव हूँ और TMR में ट्रेन मैनेजर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं अब आप लोगों को जो है ट्रेनिंग सेंटर का हाल बताते बताते अब लड़की कैसे खोज दूँ भाई, इसके लिए तो मुझे फिर एक अलग से वेबसाइट बनाना पड़ेगा, लाइक shaadi.com, marriagekarao.com, इस टाइप से कुछ। तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा आइडिया दिया है, आगे इसके ऊपर भी विचार करूँगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि आपकी जल्द से जल्द जो है आपको ये लड़की मिल जाए और आपकी शादी हो जाए, परेशान ना हो, ठीक है। और भी आप लोगों की कोई कमेंट या कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा। मेरा ऐसा है कि मैं दिन भर जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। कारण ये है कि जब मैं इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपने घर से निकला था तो मुझे कुछ नहीं पता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सब कुछ मैंने खुद किया। तो मुझे पता है कि मुझे फील हुआ था कि बहुत सारी समस्याएं आती है फॉर्म फिलअप में, बॉन्ड में और रास्ते में, यहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या हो सकती है। अगर आप लोगों को भी किसी तरह का कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, आपको हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। कहीं भी आप खुद को अकेला ना समझे, जब आप यहाँ आओगे तो मैं आपका वेलकम करने आऊँगा, आप लोगों के बीच में ही हमारा भी क्लास चलेगा, हम आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए यहीं पे, और भी आगे वीडियोस आते ही रहेंगे जब जब समय मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।